हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि ये जो सैनिटाइज, जो लोगों के पॉजिटिव होने पे बाजारों में जो लोग सैनिटाइजेशन कराने का बार बार हमें आग्रह कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन चीज़ों के कोई पुख्ता ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि ये सैनिटाइजेशन करने से कोविड के वायरस से कोई फ़ायदा होगा। और जो सरफेस पे कोई वायरस होता है तो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ प्रूव्ड। तो इसको सैनिटाइज करने पे जो एरियाज हैं वहाँ जितने सारे लोग होते हैं, क्राउडेड हैं, और वहाँ पे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस ओवर द कंट्री पाए गए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो बेसिक चीज़ है उसको फॉलो करिए, आप हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, आप दूरी बनाए रखिए, और अपना मास्क का इस्तेमाल करिए। ये जो चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी। और ये जो सैनिटाइजेशन हम बार बार, इस तरह की जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, और किसी भी SOP में इस तरह की कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अवनी लवासा हूँ, कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बढ़ते कोविड केसेस को देखकर मैं लोगों से सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, और अपने हाथों को टाइम टू टाइम साबुन से अच्छी तरह धोएं। एक और जो क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगी वो ये है कि जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन पिछले साल और इस साल में जो सिचुएशन है वो काफ़ी इवॉल्व हुई है। हमें नई चीज़ें, नई फाइंडिंग्स मेडिकल रिसर्च के बाद जो अब पता चली हैं, उससे सैनिटाइजेशन का एज सच कोविड पे क्या असर होता है ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। तो इनफैक्ट जिन एरियाज में, जो अभी क्राउडेड एरियाज हैं, जो मार्केट्स हैं, वहाँ हमें क्राउड कम ही रखना चाहिए, हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए। सैनिटाइजेशन से, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उससे इनफैक्ट लोगों में एक काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शन हो सकता है। जैसा कि आपको हेल्थ ऑफिसर ने भी क्लैरिफाई किया दैट मेडिकली इट कैन हैव एलर्जिक रिएक्शंस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आल्सो, क्योंकि केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फैसला लिया गया है कि जो सैनिटाइजेशन है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी एक तरह से रेगुलेशंस और एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड हैं, तो इसीलिए सैनिटाइजेशन वहीं किया जाएगा। मेरी आपसे फिर से सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। थैंक यू।